असल वह वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका अपना याज बशीर खदमत में हाजिर है तो क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्टार्ट हो गया कल से डे फर्स्ट था तो इंडिया ने जो है टॉस है बॉलिंग का फैसला किया ग्रीन टॉप पेशता ओवल का तो कोई भी टीम बॉलिंग का ही फैसला करती चार जो है पेसर के साथ गया है इंडिया मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज उमेश यादव और शारदुल ठाकुर और रविंदर जदेजा जो हैंज ऑल राउंडर खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बैटिंग का वो दिया चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने उस्मान खाजा को एज लग के कैच आउट किया कीपर ने के एस भारत ने कैच पकड़ा और उसके बाद जो है थोड़ी पार्टनरशिप लगी डेविड वार्नर और उसकी 73 थ्री रन्स पर डेविड वार्नर शार्दुल ठाकुर की बाल पे आउट हो गए फिर 76 सिक्स पर बड़ी कमाल की डिलीवरी इन स्विंगर मोहम्मद शमी ने मारना स्लब को बोल्ड कर दिया लेकिन उसके बाद नाजरीन स्टीवन स्मिथ और ट्राविस हेड जो आए हैं उन्होंने बैस बॉल की ट्राइनिंग्स खेली है रना बॉल अभी भी नाइन्टी प्लस के उससे खेल रहे हैं सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं वो वो जो फरवरी में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया सीरीज उसमें वो नहीं थे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि ट्रावे सेट को होना चाहिए था तो अपनी वर्ष साबित किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में इंडिया कम बैक नहीं कर पाया हालांकि छिहत्तर पे तीन आउट हो गए थे तो उसके बाद कोई रोहित शर्मा की खास कप्तानी नज़र नहीं आई तो तीन सौ सताईस रनज़ हैं अभी भी तो तीन सौ सताईस रनज़ पर तीन आउट हैं अभी भी अगर इंडिया नए बाल के साथ कम करता है तो मैक्सिम चार सौ आउट कर लेंगे सात विकेट्स इन हैंड हैं अभी तो मुझे तो नहीं लगता मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है मैं स्पोर्ट्स तक पे विक्रांत गुप्ता जो हैं गए हुए हैं वहाँ पे और जो है स्पोर्ट्स तक के जो एनकर्स हैं जो है नजम सीटी का भी जो इंटरव्यू किया था वो भी बैठे हुए थे तो एनालिसिस सुन रहा था रात को थोड़े से डिसपॉइंटेड लग रहे थे वो कि रवि अश्विन को खिलाना चाहिए था रविचंद्रन एशवन जो है एज अ प्रोफेशनल स्पिनर खेलते शायद वो स्टीवन स्मिथ के खिलाफ उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन फिर भी नहीं कर पाए स्टीवन स्मिथ नियर टू हंड्रेड नाइन्टी फाइव पे खेल रहे हैं उसके बाद जो है ट्राविस हेड वन थर्टी आई थिंक वन फोर्टी प्लस में हैं तो उम्मीद तो यही है कि ये अभी इंडिया कम बैक शायद करे न्यू बॉल से लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं उनका पेस अटैक बहुत ज़बरदस्त है अगर ऑस्ट्रेलिया ने चार प्लस लगा दिया बोर्ड में तो इंडिया के लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत हाई क्लास है रोहित शर्मा शुभमन गिल विराट कोहली और चितेश्वर पुजारा जो हैं टॉप फोर जो बैट्समैन है बड़े कमाल के बैट्समैन हैं उसके बाद ओवल ग्राउंड में जो है इंडिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल अगर आपको याद हो यहीं पर हुआ था और इंडिया हार गया था यहाँ पर तो सब लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं एज अ क्रिकेट लवर नेशन मैं चाहता हूँ एशिया में टेस्ट मेस आए और पहले भी इंडिया फाइनल हार चुका है न्यूजीलैंड से मेरे तो दुआ है कि इनसे जो है इंडिया जीते लेकिन सूरत हाल अभी बिगड़ी हुई लग रही है डे वन के एनालिसिस आज के लिए इतना ही तो उम्मीद है आज इंडिया कम करेगा एक कम्पिटेटिव जो है मैच देखने को मिलेगा पाँच दिन क्रिकेट होगी हाई क्वालिटी क्रिकेट होता है ये तो देखें आगे क्या बनता है तो आज के लिए इतना ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें शेयर करते रहें तो आपका अपना आज बशीर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अलग